नमस्कार, मैं संध्या, स्वागत करती हूँ आपका ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, आज का जीवन इतना आगे जा चुका है कि हमारे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं, वे आए दिन कुछ ना कुछ आयोजन करते रहते हैं। बीते कुछ दिनों में उन्होंने विशाल भंडारे का आयोजन करा था और अब आज यहाँ अहमदाबाद के एक विस्तार में विशाल सत्संग का भी आयोजन किया गया है, जिसमें हम आपको लेकर आ चुके हैं। और हमें संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों से हर बार कुछ नया जानने को मिलता है, तो वैसे ही आज एक बार हम फिर और आ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो विशाल सत्संग किया जा रहा है उसमें, और जानते हैं इस बार हमें और आपको क्या जानने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने लेफ्ट साइड में दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर एक पुस्तकों का स्टॉल लगाया गया है, जहाँ पर ढेर सारी पुस्तकें रखी गई हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटोज़ हैं, पोस्टर्स हैं जिनको यहाँ पे रखा गया है। जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं वो इन्हें ले जाएंगे या फिर यहाँ से इनको वितरित किया जाएगा। तो अब हम आपको सत्संग हॉल के अंदर ले चलते हैं। पहले आप यहाँ पे जो सत्संग हॉल है उसका बाहर से नज़ारा देखिए। इतना बड़ा सत्संग हॉल है और ये एक कम्युनिटी हॉल है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग रखा गया है। अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं वो दिखाते हैं। दर्शकों, वो जो हॉल है वो एक सिनेमा हॉल है जहाँ पर पिक्चरें देखी जाती हैं और स्कूल के फंक्शन किए जाते हैं। ऐसी जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग किया जा रहा है, सोचने वाली बात है। चलिए हम आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं। भक्ति तो लाभ होता ही नहीं, वैसे मनमानी पूजा है। तो वर्तमान में जो साधना आप जी करें उससे तो कोई लाभ होना ही नहीं, ना तो आपके पाप क्षीण हो। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक जुड़ चुके हैं। ये जो समर्थक हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, वो कहते हैं कि सद्भक्ति करो, हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो आइए इनसे जानते हैं आखिर क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से? नरपत दास, मैं चेन्नई से था, लेकिन अभी दो तीन साल हो गए जब से मैंने दीक्षा ली है, तब से चेन्नई त्याग कर मैं अहमदाबाद में आ गया, क्योंकि वहाँ जगत में रहना मुश्किल था, इसलिए अभी भक्ति के लिए यहाँ आ गए, सद्भक्ति के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके जो सुंदर रामपाल जी महाराज जी हैं वो कहते हैं गुरु बनाना ज़रूरी है, गुरु बिना मोक्ष नहीं हो सकता, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? गुरु बिना तो कोई रास्ता है ही नहीं है, गुरु तो बनाना ही पड़ता किसी भी धर्म में, धर्म सब एक ही होते हैं, लेकिन जैसे जगत में कई सारे गुरु हैं तो सब आध्यात्मिक का ढिंडोरा पीटते रहते हैं, लेकिन सच्चे सतगुरु ये परमात्मा रामपाल जी महाराज जी हैं जो सद्भक्ति बताते हैं, और सद्भक्ति से ही हमारा मोक्ष हो सकता है, बाकी मोक्ष नहीं हो सकता। और इनकी इनकी भक्ति का जो मार्ग है, जो वे ऑफ द वर्शिप है, इसमें कुरान पुराण ग्रंथ और बाइबल का सारा ज्ञान बताया गया है, और वही सद्भक्ति का एक सही मूल रास्ता है। सर, आपने कहा आपके संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं, वो सच्चे गुरु हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में बहुत से धर्म गुरु हैं, तो क्या वो सब झूठे हैं? धर्म गुरुओं को सही ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो वेद तो पढ़ते हैं, जैसे कहते हैं ना, वेद पढ़े पर भेदन जाने वासे पुराण 18, ये पत्थर पानी पूजा होते भूले सृजन आरा, इनको सृजन आरा का सही रास्ता मालूम नहीं है, उनको अविनाशी राम का सही रास्ता मालूम है, ये नाशवान राम है वही तक ये मतलब सीमित है। आप किस राम की बात कर रहे हैं? आप तो राम भगवान, आप राम कृष्ण किसी भगवान को मानते नहीं, फिर आप किस राम की बात कर रहे हैं? ये जो पहले बताए गए जगत के राम हैं, मतलब दुनिया में संसार में तीन तरह के लोग हैं, जगत भगत और ठगत, तो तीनों के रास्ते अलग अलग हैं। जो भगत हैं उनको ही सही रास्ता मिलता है सद्भक्ति करने से, और जो सच्चे सदगुरु मिले उनके द्वारा मतलब सही रास्ता मिल सकता है। सर, हम आपसे दूसरा सवाल करना चाहेंगे, क्या सद्भक्ति करना बहुत ज़रूरी है? सद्भक्ति अलावा तो मोक्ष ही नहीं, क्योंकि आत्मा के लिए एक आध्यात्मिक ही एक रास्ता है, वही एक वे ऑफ द वर्शिप है जिससे हमारा मोक्ष होगा। ये जीवन तो एक मतलब यात्री की तरह एक यात्रा है, न जाने कब हमारा स्टेशन आ जाए, हमको रुकना पड़े। एक जो यात्रा का हम टिकट लेते हैं वो तो एक निर्धारित रहता है, लेकिन हमारे अंदर बैठा जो मुसाफिर है उसका कोई भरोसा नहीं, कब इस घर को त्याग दे कोई मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए आध्यात्मिक के रास्ते पर चलकर ये परमात्मा की भक्ति करना ही सद्भक्ति, इसी से ही मोक्ष होता है। हमारे जो दर्शक है वो ये जानना चाहते हैं, उनका कहना ये है कि आप सबको दुनिया की क्यों पड़ी, अगर कोई सद्भक्ति करना चाहता है तो वो करे, नहीं करना चाहता तो नहीं करे, तो फिर आप उन सबको इस राह पर क्यों लाना चाहते हैं? इसलिए कि जो कहते हैं ना, एक अगर आत्मा को आप जगाओ तो पूरे गांव को अगर आप भोजन कराओ उतना पुण्य होता है, एक नगरी को आप बसाओ उतना पुण्य होता है, अगर एक आत्मा को आप जगाओगे, आध्यात्मिक तरह आप उसको इशारा करके बताओगे, सद्भक्ति की तरह ले जाओगे, परमात्मा का रास्ता बताओगे, अपने सच्चे गुरु का रास्ता बताओगे, तो आपको इतने पुण्य भी होगा, अपने साथ साथ उनका भी उनके साथ का भी पुण्य होगा। तो सर, आप क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को?
मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को यही मतलब एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपको सतभक्ति करनी है तो अपने शास्त्रों के अनुकूल और वर्तमान में जो कंठस्थ हैं वो श्री संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो मतलब सतभक्ति दे सकते हैं। बाकी किसी के पास इस ब्रह्मांड में किसी के पास सत ज्ञान है ही नहीं है सिवाय रामपाल जी महाराज के अलावा। जी सर, धन्यवाद। सत्साहिब। तो अभी हमारे साथ एक संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक है वो और जुड़ चुके हैं, चलिए अब उनके विचार जानते हैं। सर नमस्कार। सत्साहिब। सर क्या नाम है आपका और आप कहाँ से? पुष्पिंद दास, हम अहमदाबाद से। सर आप क्या बताना चाहेंगे सच्ची भक्ति के बारे में, सच्चे गुरु के बारे में? देखो तो सच्चू गुरु वो होता है जो शास्त्रों के आधार पर ज्ञान देता है। जैसे श्रीमद्भगवद गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्राह्मण त्रिविध समर्था। जो तीन मंत्र का जाप है वो सही विध बता देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा और सद्भक्ति होगी। आजकल के हमारे जो धर्म गुरु हैं वो गीता के विरुद्ध साधना बताते हैं। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 17 श्लोक 23 में लिखा ओम तत्सत, तो हमारे जो नकली धर्म गुरु हैं वो कहते हैं हरिओम तत्सत, जबकि उस मेन पार्ट में हरिओम है ही नहीं। और हमारे नकली धर्मगुरु बता दे कि हरिओम, इसलिए नकली धर्मगुरुओं को छोड़ करके सदभक्ति करो, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराओ। एक पूरी पृथ्वी पे मालिक संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो सदभक्ति बताते हैं, बाकी कोई भी धर्मगुरु सदभक्ति नहीं बताता है। और ये लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हम लोगों को क्यों प्रेरणा कर रहे हैं, इसलिए प्रेरणा कर रहे हैं कि एक बार मनुष्य शरीर मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तुलसीदास ने भी कहा है कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा और सुर नर मुनि जिन ग्रंथन गावा, ये मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं और आप इस व्यर्थ को खो देते हो। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना पर बनवाया क्याम। यदि मनुष्य शरीर पाकर के आप सदभक्ति नहीं कर सकते तो आपका जीवन व्यर्थ है, जैसे कुआ जल बिना अलग है इसी प्रकार मनुष्य भी शरीर बिना भक्ति के व्यर्थ है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं आप परमात्मा की शरण में आओ और अपना शक्ति भक्ति सदभक्ति करो और अपना कल्याण कराओ, यही गुरु जी का और उनके शिष्यों का उद्देश्य है। जी सर धन्यवाद। सत्साहिब। तो दर्शकों जैसा कि आपने अभी जाने संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक है, उन्होंने हमें बहुत सी जानकारी दी, वेदों से जानकारी दी, गीता में जो लिखा है वो बताया। अभी हम पर और आप पर डिपेंड करता है कि हम इसे कितना सच मानते हैं और कितना झूठ। तो ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।